हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जालौर के द्वारा आमरण व क्रमिक अनशन आज शुक्रवार को जालौर शहर की जन समस्याओं को निरंतर अनदेखी करने के कारण लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने के विरोध में आमरण व क्रमिक अनशन नगर परिषद प्रशासन, जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए आमरण अनशन शुरू किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को इन सभी मांगों को लेकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन जब तक इनका ज्ञापन नहीं लिया जाता है, तब तक जालौर नगर परिषद क्षेत्र में है, तब तक आमरण अनशन पर रहेंगे। ये सभी कांग्रेस जन यहाँ से नगर परिषद से बाहर जाते ही आमरण अनशन टूट जाएगा, और अगर ज्ञापन लेने आती हैं या ले लेते हैं तो उसी वक्त ज्ञापन देने के बाद आमरण अनशन तोड़ दिया जाएगा। इस दौरान मिशिमल गहलोत नेता प्रतिपक्ष मंजू मेघवाल, देवाराम सांखला, मोडाराम मीना, बस्तीमल चौहान, गौतम परमार, ठाकराराम मेघवाल, मोहन राम, दिनेश साकरना और मनोहर वैष्णव आदि कांग्रेस जन मौजूद थे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।